हेलो गाइस। सो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बीन्स की सब्ज़ी, और जो कि मुझे सबसे कम समय में और सबसे ज़्यादा अच्छी लगने वाली सब्जियों में से एक है, जो मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ। इसके लिए हमने आलू और बीन्स को अच्छे से धो के काट लिया है। टमाटर ले लिया है दो, टमाटर और प्याज बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन ले लिया है, नमक एंड हल्दी, एंड लास्ट में हम चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। अब हम तेल गरम हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब उसमें डालेंगे जीरा। और मैं मिर्चा बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मेरा छोटा बच्चा है वो मिर्चा नहीं खाता है। अब उसमें डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, एक मिनट। इसमें हमने डाल दिया है प्याज और हम इसको एक मिनट तक पकाएंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन एंड टमाटर। एक और इसका तरीका है, मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल देती हूँ तड़के के बाद, वो भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ये एक नॉर्मल तरीका है जो कि सब लोग बनाते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके से अभी बनाया है। एक बात और, तेल में जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, तो वो एक्चुअली मैंने आलू फ्राई किए थे, तो वही तेल बचा हुआ था, तो मैंने उसी में सब्ज़ी बनाई। आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं आप कोई और दूसरा तेल खाते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्याज जो है वो सेमी फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इस स्टेज पे इसमें लहसुन पिसा हुआ डाल देंगे। लहसुन हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसको तेज आँच पे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। देन हम इसमें सब्जियाँ ऐड कर देंगे, टमाटर ऐड कर देंगे और नमक हल्दी ऐड कर देंगे। अब इसी स्टेज पे हम सब्जियाँ बीन्स आलू ऐड कर देंगे और टमाटर और हल्दी ऐड कर देंगे। हम इसको अच्छे से भुनेंगे, और इसको हम पहले तो ओपन ही भुनेंगे, जो अभी ढकेंगे नहीं। 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसको ढक देंगे और धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे। तो हम देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट धीमी आंच पे अंदर निकल जा रहे हैं। हम देख सकते हैं हमारे आलू बीन्स की सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। आप चाहें तो इसे उतारते वक्त गर्म मसाला डाल सकते हैं, आज मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज मुझे बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में खाने का मन है। तो बनाइए एंड बताइए आपको ये सब्ज़ी बनाने के बाद कैसी लगी।